भाईजान थोड़ा जल्दी चलिएगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आपने शिवरात्रि खाला को बता दिया था? नहीं, मेरी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कैसे बताऊं उनको कि मैं क्यों आ गई, क्या हुआ? वो तो यही समझेंगी ना कि, बल्कि वो तो यही कहेंगी कि मेरी नियत में कोई खौफ था शायद। राजबीन जी, मैं अपने बारे में तो पूरे यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी नीयत सच्ची थी। तरीका गलत था जाहिर। अगर साथ ही गलत हो तो मंजिल तो क्या, सफर भी मुकम्मल नहीं है। मेरे नसीब में ही नहीं था जाहिर आपके साथ सफर, और अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं बेईमानी और ठुकराए हुए रिश्ते को कायम करने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगी। माजबीन जी, मैं कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूं, लेकिन बदनीयत और बदहद भी नहीं। आपने अपने हिस्से की शर्त पूरी की, मैं भी अपने हिस्से की शर्त पूरी करूं। हम अगले साल दोबारा कोशिश करेंगे, अपने रब का दर खटखटाएंगे। हो सकता है वो हमारी सुन ले। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है जाहिर। वो बेनियाज है, वो हमसे महज कागजों पे बंधे जरूरत के रिश्ते नहीं चाहता। वो हमसे दिलों से जुड़े सच्चे रिश्ते, सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत मांगता है, मुकद्दस मोहब्बत। क्या मोहब्बत भी मुकद्दस हो सकती है? अगर मोहब्बत मुकद्दस ना होती तो खुदा अपने बंदे से मोहब्बत मांगते ही क्यों? माजरत चाहता हूँ, आपको अकेले भेज रहा हूँ। वो जी मुझे मालूम है, कराची एयरपोर्ट पे जाके ड्राइवर को कॉल कर दूंगी, वो मुझे लेने आ जाए। क्या लिखिएगा? अपना ख्याल रखिएगा।